बैठक विपक्षी दलों की क्या क्या हुआ है और आखिर क्या नाम गठबंधन का रखा गया है, इसका मतलब क्या है? विपक्षी गठबंधन के इंडिया का मतलब INDIA यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव एलियंस। किसके साथ कौन है जरा वो भी समझ लेते हैं। इंडिया यानी कि कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, जदयू, शिवसेना, एनसीपी, शरद पवार, सीपीआईएम, समाजवादी पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, सीपीआई, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस एम, आरजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीआई, एमएल, आरएलडी, मणिनाथनिया, मक्कन काची यानी कि एमएमके, MDMK, VCK, RSP, केरल कांग्रेस, KMDK, अपना दल और AIFP। अब NDA को समझ लेते हैं। BJP, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, अपना दल सोनेलाल, AIDMK, NPP, NDPP, SKM, IMKMK, RSU और MNF, NFP, RPF, JGP, IPFT, त्रिपुरा, BPPP, PMK, MGP, AGP, निषाद पार्टी, UPPL, ये तमाम पार्टियां इस NDA दल में शामिल है। किसमें कितना दम है वो भी समझ लेते हैं। बीजेपी की अगुवाई वाले NDA के पास लोकसभा में 350 से ज्यादा सांसद हैं, जबकि विपक्ष की बैठक में जितनी पार्टियां शामिल हुई हैं उनके पास लगभग 150 सांसद हैं। हालांकि आंकड़े देखे जाए तो पता चलता है विपक्ष की बैठक में शामिल हुई 50% से ज्यादा पार्टियों के लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है, जबकि NDA की बैठक में शामिल 65% पार्टियों के पास लोकसभा में एक भी सीट नहीं है।